बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भाई एक चीज़ ये ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं भाई अपना सिग्नेचर यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, जो कि इस तरीके से है देखो वहाँ पर। और आप लोग भी सिग्नेचर कर रहे हैं क्या भाई यहाँ पे? पहले ये देखो भाई, दूध चाहिए। रुको दूध देता हूँ, रुको पहले चाय में डाल दो फिर देता हूँ, रुको। तो भाई यहाँ पर चाय में थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए। मुझे यहाँ पर सामने के साइड में दिखा ये मंत्रालय, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई। और यहाँ से आप लोग देखो जो कि तिरंगे का यहाँ पर जो फाइनली डिज़ाइन किया गया है ना भाई, वो ज़बरदस्त दिख रहा है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं हूँ CST के एकदम पास में। यहाँ पर देखेंगे भाई तो इस तरीके का पूरा नज़ारा है चारों तरफ। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वैसे आज है 15 अगस्त, यहाँ पर देखो कितना मस्त पूरा डेकोरेट किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सामने के साइड में भाई यहाँ पर इस तरीके से बैल वैल बांधे हुए हैं, जो कि गाँव वाली फीलिंग आ रही है। एक उधर है और एक इधर है। और आज मैं जाने वाला हूँ भाई CST में गेट ऑफ इंडिया, उसके बाद में चर्च गेट, बहुत सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। नाइट में किस तरीके का पूरा माहौल रहता है सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ भाई, तो एंड तक बने रहना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ में सैफ भाई, और आज हम लोग नाइट लाइफ शूट कर रहे हैं सैफ भाई, बहुत मज़ा आने वाला है ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और हम एक मुंबई का एक हिस्सा नहीं, ऑलमोस्ट जो अपनी पुरानी मुंबई है ना, जो पूरी मेन मुंबई है, पूरा इसी वीडियो में नाइट कवर करेंगे। जैसे गेट ऑफ इंडिया हो गया, चर्च गेट हो गया, उसके बाद आपका मतलब वही गेट ऑफ इंडिया पे तो अपना हो गया, उसके बाद फिर हम जाएंगे गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव, उसके बाद और भी का पॉइंट है जैसे मुकेश अंबानी जी का घर वगैरह, अगर रास्ते में आता गया वो सारी चीजों को दिखाते हुए हम फिर वापस आएंगे। फिर वापस उसके बाद में हम लोग अपने अपने घर पे जाएंगे भाई, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है भाई, एंड तक बने रहना, मजा बहुत आने वाला है। चलो चलते हैं, सब कुछ चल के देखेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ CSMT रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ पर देखो भाई इस तरीके का नज़ारा है, और जहाँ तक आप लोग देखेंगे भाई तो कलर वगैरह एक नंबर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर मतलब आने के लिए भाई हम लोगों को 10 से 15 मिनट लगा, क्योंकि यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इधर के साइड में तो भाई पूरा जाम लगा हुआ है चारों तरफ। रीज़न ये है कि भाई आज 15 अगस्त है, और 15 अगस्त को बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आए, और यहाँ पर भाई नो पार्किंग है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आप लोग कभी आते हैं तो गाड़ी को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर आप लोग गाड़ी छोड़ के जाएंगे ना भाई तो साहब भाई क्या होगा, टोचन वाले पक्की बात है, तो इस चीज़ का नुकसान हो जाएगा थोड़ा सा, भारी नुकसान हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे खड़े रहो, वीडियो बनाओ और आगे बढ़ो। हाँ, अपने पर्सनल गाड़ी से आने का यही नुकसान होता है भाई कि आप खुल के घूम नहीं सकते हो। खुल के घूमना है भाई तो ट्रेन से आ जाओ, क्योंकि ट्रेन से भी आओगे आप लोग तो यहीं पर निकलोगे CSMT रेलवे स्टेशन के एकदम बाहर ही। ये पूरा नज़ारा है, इधर पे मुंबई महानगर पालिका है, उसका भी नज़ारा आप लोगों को देखने मिलेगा, जो कि नेक्स्ट लेवल है भाई। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भाई इधर रात के टाइम पे, और दिन में आएंगे तो भाई तो पता ही नहीं चलेगा कि लाइटिंग वगैरह कैसा रहता है कैसा नहीं। और अब चलते हैं हम लोग यहाँ से गेट ऑफ इंडिया, और वहाँ का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं, उसके बाद में और आगे जाएंगे वो भी दिखाएंगे। चलो चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों से मिलेंगे गेट ऑफ इंडिया पे। तो भाई लोग घूमते घूमते मैं आया हूँ, और यहाँ पर भाई इस तरीके का मुझे पार्क दिखा, तो मैं सोचा यहाँ पर रुकूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगा। और यहाँ पर कुछ इस तरीके का मतलब ये मशाल जलता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सामने के साइड में देखेंगे तो भाई कलरफुल बिल्डिंग, यानी कि लाइटिंग की वजह से ये कलरफुल बिल्डिंग है। इसके अंदर बहुत सारा मेकअप वगैरह का सामान वगैरह मिलता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। बाकी अभी चलते हैं, गेट ऑफ इंडिया जा रहा था मैं CST रेलवे स्टेशन से, तो मुझे ये चीज़ दिखा तो मैं सोचा आप लोगों को दिखाऊं। वैसे अभी यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट गेट ऑफ इंडिया, और वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर, आप लोग देखेंगे सामने के साइड में ये है भाई ताज होटल, और इसकी लाइटिंग जो की गई भाई आधा तो बंद है आधा चालू है जितना दिख रहा है भाई। और इधर के साइड में देखेंगे तो भाई गेट ऑफ इंडिया है, जहाँ की लाइटिंग तो भाई पूरी तरीके से बंद है। और जितना मैं सोच के आया था ना भाई कि आज 15 अगस्त है, तिरंगे उरंगे का कलर चल रहा होगा, हाँ साहब भाई आप क्या सोच के आए थे? यार भाई मैं भी यही सोच के आया था कि आज यहाँ सबसे सुंदर अगर पूरे मुंबई में कहीं का माहौल होगा तो गेट ऑफ इंडिया एंड ताज होटल का होगा, और सही मायने में सबसे गंदा माहौल अभी यहीं का माहौल, मतलब क्राउड तो बहुत ज़्यादा बहुत है, लेकिन जो हमने सोचा था कि अपना ये क्या गेट ऑफ इंडिया का जो क्या कहते हैं माहौल रहेगा, और अपना जो गेटवे ऑफ इंडिया का कलर मतलब रंगीन कलर रहेगा, वो सारी चीज़ें नहीं देखने मिली। बाकी ताज होटल भी देखिए एकदम सादा सादा है, ये भी सादा सादा है, नॉर्मल जो लाइटिंग रहती है वही है। और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं भाई, सब कोई यही सोच के आए होंगे कि यहाँ पर आज बहुत अच्छा माहौल देखने मिलेगा। चारों तरफ आप लोग देखेंगे तो सब लोग यही सोच के आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो अब चलते हैं यहाँ से फटाफट मरीन ड्राइव की तरफ, और वहाँ का देखते हैं कैसा माहौल है, क्या पता वहाँ भी ऐसा ही कुछ हो, लेकिन चलो देखते हैं कैसा रहेगा, आप लोगों को बताऊँगा सारी चीज़ें। तो फाइनली दोस्तों घूमते घूमते आया हूँ, मुझे यहाँ पर सामने के साइड में दिखा ये मंत्रालय, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भाई। और यहाँ से आप लोग देखो जो कि तिरंगे का यहाँ पर जो फाइनली डिज़ाइन किया गया है ना भाई, वो ज़बरदस्त दिख रहा है। और मुझे ऐसी उम्मीद थी गेट ऑफ इंडिया से, लेकिन वहाँ पर देखने नहीं मिला, लेकिन सच में यार जो मंत्रालय अपना है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर डेकोरेट किया गया है।
और इधर के साइड में देखेंगे तो भाई यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग भी ज़बरदस्त दिख रही है। इसका यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य सेवा हक आयोग है, जो कि ये वाला भी भाई खूबसूरत लग रहा है। और मुझे ज़्यादा उम्मीद भाई जो मंत्रालय है ना, ऐसा जिस तरीके से ये मतलब पूरा डेकोरेट किया गया है, कलरिंग वगैरह, लाइटिंग वगैरह, ऐसा मुझे लगा था कि ये चीज़ मुझे गेट ऑफ इंडिया पे देखने मिलेगा, लेकिन वहाँ नहीं देखने मिला। ताज होटल में भी देखने नहीं मिला, वहाँ से जैसे ही थोड़ा आगे आया तो मुझे ये चीज़ देखने मिला, जो कि बहुत अच्छा लगा भाई। और अगर यहाँ पर आप लोग नाइट में आएंगे तो ये वाला व्यू देखने मिलेगा। वैसे अभी 15 अगस्त है तो शायद इस वजह से हो, बाद में पता नहीं कैसा रहता है कैसा नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन सच में वाकई में यार। हाँ सर भाई, ये चीज़ की उम्मीद आपको भी गेट ऑफ इंडिया से थी ना? ज़्यादा मुझे पूरा उम्मीद था गेट ऑफ इंडिया भी कुछ इसी तरह से चमक धमक रहेगा, लेकिन गेट ऑफ इंडिया पे नहीं मिला। लेकिन ये जो मंत्रालय का ये खूबसूरत नज़ारा है ना, वाकई सबसे शानदार है, सबसे शानदार जितने लोकेशन पे हम लोगों ने घूमा है, और ये बहुत अच्छा है भाई। और यहाँ पर अभी हम लोग विजिट किए हैं, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव की तरफ, तो चलो चलते हैं वहाँ का नज़ारा देख। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं आया हूँ मरीन ड्राइव के पास में, और यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भाई एक चीज़ ये ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं भाई अपना सिग्नेचर यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, जो कि इस तरीके से है देखो वहाँ पर। और आप लोग भी सिग्नेचर कर रहे हैं क्या भाई यहाँ पे? इधर के साइड में देखेंगे तो मस्त एकदम बनाया गया है, यहाँ पे आप लोग आके रील वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पर भी तीन कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है, जो कि भाई अपना तिरंगा है उस चीज़ का। यहाँ पर आप लोग देखो जैसे वहाँ पर भगवा कलर है, उसके बाद में व्हाइट कलर है, यहाँ पर हरा कलर है भाई, जो कि बहुत मस्त बनाया गया है, अच्छा लग रहा है। और जितने भी जगह पर मैं गया था भाई, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर लगा, उसके पहले जो मंत्रालय गया था, मंत्रालय भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई इस तरीके से मरीन ड्राइव का पूरा सीन है। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे के साइड में और आप लोगों को दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो भाई लोग यहाँ पर मैं घूम रहा था और भाई मिले यहाँ पर, और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दिए? यस यस। अच्छा, ये सिग्नेचर क्यों करा जा रहा है भाई यहाँ पे? यहाँ पे ये भाई सेल्फी ले रहे थे भाई, फौजी सोल्जर है। अच्छा, सोल्जर है भाई, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं भाई। आपको ऐसा कैसा लगा यहाँ पर आके, मतलब इतने सारे लोग आए हैं तो? अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, तो यहाँ पर भाई बहुत सारे लोग सिग्नेचर करे, पूरा ये भर चुका है। तो फाइनली दोस्तों घूम फिर के मैं वापस आ चुका हूँ घर पे, और भाई अभी आप लोगों को मैं टाइम दिखा देता हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आप लोग टाइमिंग, अभी बज रहा है 12:10, और बहुत ज़्यादा घूमा फिरा आप लोगों को, दिखाया कैसा पूरा नज़ारा था भाई, मस्त मज़ा आ गया। यहाँ पर देखो ये है काला टोपी, जो कि सोया हुआ था भाई, अभी उठ गया है, मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। तो सबसे प्यारा भाई मुझे यही लगता है, और सबसे ज़्यादा मस्ती भी यही करता है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो भाई ये बगीरा सोया हुआ है, और बगीरा सो नहीं रहा है भाई, जब जब मैं वीडियो शूट करता हूँ ना ये सोने का नाटक करता है। ये देखो भाई, ये सोया हुआ नहीं है, और उसके बाद में देखो आवाज़ दे रहा है अभी वो। और यहाँ पर ये काला टोपी भी आवाज़ दे रहा है, काला टोपी क्या हुआ मम्मू, क्या हुआ, क्या हुआ रे, क्या हुआ, सो जा सो जा। उसके बाद में भाई जब मैं आ रहा था रास्ते में, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखी खाने पीने की, तो उसमें से भाई मैं कुछ चीज़ें लेके आया था। जैसे ये कलिंगड़ है, इसमें ये चमकी लग गया है भाई, ये कलिंगड़ है, एकदम लाल है, मस्त यार। और उसके बाद में ये आम है, और आम मुझे पसंद है, और ये मुझे पसंद है, तो जो मुझे पसंद है भाई वो मैं लेके आ गया हूँ, और इसको खाएँगे पियेंगे। वैसे पहले ये देखो भाई, दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, रुको दूध देता हूँ, रुको पहले चाय में डाल दो फिर देता हूँ, रुको। तो भाई यहाँ पे चाय में थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए, चाय वाय बनाने में क्या है यार, चाय पत्ती वगैरह कर दो उसके बाद में। अरे दे रहा हूँ बाबा, दे रहा हूँ, रुको दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, रुको दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दूध पिएगा मम्मू, दूध पिएगा। तो यहाँ से प्लेट ले लेता हूँ, बर्तन वगैरह अभी मेरी वाइफ आके धुलेगी भाई, वैसे ही सब रखा है, अभी जस्ट खाना खाया हूँ मैं आया हूँ तो। और इसमें थोड़ा सा बाबू को दूध दे दूँ, और गैस को यार थोड़ा सा फास्ट कर दूँ, ज़्यादा फास्ट कर दूँगा तो बाहर गिर जाएगा, और इतना ठीक है भाई, ध्यान देना पड़ेगा बार बार। तो यहाँ पे भाई इसको दूध दे देता हूँ बगीरा को भाई। ये वाला दूध मैं क्यों मंगाता हूँ भाई, इसका एक्सपायरी डेट जो है वो 6 महीने का रहता है, और नॉर्मल जो दूध रहता है ना भाई, जो छोटा पैकेट मंगाओ उसका एक्सपायरी डेट 1 ही दिन का रहता है। ये ले दूध ले, आ जा चल, आ जा, 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 आ जा। ये ले भाई दूध पी ले। तो भाई अपना काला टोपी दूध पी रहा है, ये मस्त बिल्ला है भाई, इसको खाना पीना रहता है, खुद ही आवाज़ देता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो आप लोग, मिट्ठू लोग हैं भाई, ये लोग भी कोतमीर वोतमीर खा के, यानी कि धनिया वनिया खा के खुश रहते हैं भाई। इस तरीके से पानी भी है, उसके बाद में खाना भी है, तो इन लोगों को भी कोई टेंशन नहीं है भाई, मस्त खेलते रहते हैं यार। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे भाई कि मिट्ठू लोग को आज़ाद कर दो यार, बच्चे के जैसा है यार, कैसे आज़ाद कर दो, इनको उड़ना नहीं आता है।
अगर खोल देता हूँ भाई घर के अंदर नहीं उड़ते हैं। इसका रीज़न ये है ना भाई, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसका रीज़न ये है कि ये लोग पैदाइशी पिंजरे में ही पैदा हुए हैं, पिंजरे में ही बड़े हैं। हम लोग तो बड़े बड़े हो गए जब लेके आए, तो इनको पिंजरे की आदत है, इस वजह से भाई इनको छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ देंगे तो कौवा चील वगैरह जो कुछ भी रहेगा इन लोगों को तुरंत खा लेगा भाई आधे घंटे के अंदर। तो इनको मतलब वो तो ऐसा हो जाएगा ना कि इनको मैंने पाला प्यार से और फिर एंड टाइम पे इनको छोड़ के मौत के मुंह में डाल दिया, तो ऐसा सीन हो जाएगा। इस वजह से मैं इन लोगों को नहीं छोड़ रहा हूँ। बाकी यार आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे पता है नहीं रखना चाहिए पिंजरे में, लेकिन इन लोगों को मैं खोलते रहता हूँ। अभी यहाँ पर पंखा चालू है, जब ये पंखा बंद होगा तो मैं इन लोगों को खोलूँगा, एसी चालू कर दूँगा, उसमें ये लोग मस्त अपना खेलते रहेंगे, इन्जॉय करेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। काला टोपी दूध पी रहा है, बगीरा सोया है, शेरू है नहीं, लगता कहीं गया हुआ है। ये सारी चीज़ें अभी फ्रिज वगैरह में रख देता हूँ, अभी मैं खाऊंगा ये, इसलिए बाहर रखा हूँ। और ठंडा हो जाता है भाई, तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है मज़ा नहीं आता, इस वजह से यहाँ पर बाहर ही रखा हूँ। अभी इसको खाऊंगा, उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगा। तो ऐसा था मेरा आज का ये पूरा व्लॉग, इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया क्या कुछ भाई मुंबई में 15 अगस्त के रात में होता है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।